दोस्तों, अगर हम अपने नेचुरल टैलेंट का यूज़ नहीं करते या मेहनत नहीं करते हैं तो हमें उसका परिणाम बहुत भयानक तरीकों से भुगतना पड़ता है। आइए इसे हम एक कहानी के मदद से और विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। पुराने समय की बात है, एक गिद्धों का झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था और सभी गिद्ध खाना खोजते खोजते एक समुद्र के टापू पर पहुँच गए, जहाँ उन्हें सारी सुविधाएं मिलने लगी। न खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता और न ही गिद्धों को किसी शिकारी जानवरों से डर रहता। उनका जीवन वहाँ पर बहुत ही आरामदायक तरीकों से कटने लगा, जिसको देखकर सभी गिद्धों ने कहा, अब यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उसमें एक बुढ़ा गिद्ध इस बात से खुश नहीं था। कुछ समय बीतने के बाद वह बुढ़ा गिद्ध सभी गिद्धों से कहा कि हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार के लिए जाना जाता है और हम पक्षियों में सबसे ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं। ये सब हमारी शक्ति है, लेकिन जब से हम लोग यहाँ आए हैं तब से हम लोग आलसी हो गए हैं और ज़्यादा तेज उड़ भी नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग धीरे धीरे शिकार करना भी भूल रहे हैं। इसीलिए इस जगह पर ज़्यादा समय तक रहना ठीक नहीं है। और फिर बूढ़े गिद्ध ने कहा, मैं ये टापू छोड़ना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो। इस बात को सुनकर सभी गिद्ध उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे मूर्ख कहने लगे। बुढ़ा गिद्ध निराश होकर वहाँ से अकेले ही पास के किसी दूसरे जंगल में चला गया। और फिर कुछ समय बीतने के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मुझे अपने साथी गिद्धों का हालचाल जानने के लिए उस टापू पर जाना चाहिए। लंबी उड़ान के बाद वह गिद्ध उस टापू पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत सारे गिद्ध मारे जा चुके हैं और कुछ बहुत बुरी तरीके से घायल हैं। बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्ध से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तब घायल गिद्ध ने कहा कि आपके जाने के बाद यहां पर एक जहाज आया था जो यहां चीतों का एक झुंड छोड़ दिया। शुरू शुरू में चीते यहाँ के अन्य जीव जंतुओं का शिकार करके अपना पेट भर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हम ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पा रहे हैं तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया, जिसके कारण कई गिद्ध चीतों के शिकार बन गए और कई गिद्ध बुरी तरीके से घायल हो गए। ये सब सुनकर बूढ़े गिद्ध को काफ़ी दुख हुआ, लेकिन वह अब उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। और फिर वह गिद्ध उड़कर अपने जंगल में वापस लौट गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने नेचुरल टैलेंट की शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे तो हम उसे समय के साथ गंवा देंगे। जैसे गिद्धों ने तेज उड़ने और शिकार करने के नेचुरल टैलेंट को गंवा दिया, जिसके कारण वे सब मारे गए। इसीलिए हमें आलस ना करके हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और हमें अपने नेचुरल टैलेंट को निखारते रहना चाहिए। इससे हमारी क्षमता बढ़ेगी और हम ज़्यादा ताकतवर बनेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने गिद्धों की इस कहानी से क्या सीखा।